नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद महानगर की सुर्खियों पर। मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू का वीडियो सामने आया है। इसमें तीमारदार कह रहा है कि मरीज की मौत के बावजूद डॉक्टर आईसीयू में वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को रखे रहे। परिजनों से कहा जाता रहा कि मरीज की सांस चल रही है। आईसीयू में किसी डॉक्टर या स्टाफ नर्स के मौजूद नहीं होने और मरीजों को भगवान भरोसे छोड़े जाने की बात भी कही गई है। वीडियो शहर के ब्राइट स्टार हॉस्पिटल का बताया गया है, जहां सोमवार रात डेंगू से 3 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया था। ये पेशेंट है इंद्रपाल, और इनके पास ना ही तो कोई कंपाउंडर है ना ही कोई डॉक्टर है, और एक घंटे से ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं बिल्कुल कि इनमें सांस चल रही है, और हालांकि इनसे एक घंटे से पहले की इनकी सांस बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये यहाँ पे स्टाफ है ये सभी लोग। AICC महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा 15 नवंबर को मुरादाबाद आएंगी। उनका कार्यक्रम आते ही कांग्रेसी तैयारी में जुट गए हैं। लाइन पार के रामलीला मैदान में पार्टी पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया और कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गए। जिला व महानगर अध्यक्ष जिले के प्रभारी के साथ प्रियंका वाड्रा की सभा के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में मुरादाबाद के अलावा बरेली व सहारनपुर मंडल के पार्टी पदाधिकारियों से संवाद होगा। कुल 12 जिलों की ग्राम इकाई, ब्लॉक इकाई, नगर व जिला इकाइयों के अलावा पूर्व अध्यक्ष व सभी वर्तमान व पूर्व जन प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। लगभग 5,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटेगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार को यूपी के सैकड़ों भाकियू नेताओं का जमावड़ा होगा। कल भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आने वाली 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली महापंचायत और 26 को आंदोलन के एक साल होने पर कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति तैयार कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। मुरादाबाद मंडल से सैकड़ों भाकियू नेता शुक्रवार सुबह दिल्ली को कूच करेंगे। सहारा इंडिया परिवार व सैबी के बीच चल रहे प्राकरण के चलते सहारा इंडिया की सभी संपत्तियों और बैंक खातों को सील कर दिया गया है। हालांकि सहारा इंडिया द्वारा सैबी द्वारा मांगी गई सभी रकम को जमा कर दिया गया है, किंतु उसके बावजूद भी सैबी द्वारा सहारा इंडिया की संपत्तियों को रिलीज न किए जाने के कारण सहारा इंडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को तमाम आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं और जमाकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर जमकर धरना प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को आर्थिक सुरक्षा दिलाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम आरके भारत है और आज हम जिला कलेक्ट्रेट मुरादाबाद डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। जैसे कि विगत वर्षों से आप देख रहे हैं, सहारा इंडिया परिवार जो कि एक भारत का बहुत बड़ा समूह था, कुछ लोग इसमें रोजगार की तलाश में जुड़े थे। आज सेबी और सहारा का प्रकरण चल रहा है, इस विवाद के चक्कर में जो आम जनता है, जो वर्कर लोग थे, उनका रोजगार चला गया है और जो जमा करता है उनका भुगतान न होने से वो आत्मदाह करने की कंडीशन में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर जूनियर इंजीनियर द्वारा वेतनमान की विसंगतियों, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना तथा अन्य विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियरों द्वारा कहा गया कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब महासंघ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुरादाबाद के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी दिव्यांश यादव का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर 25 क्रिकेट टीम के कैंप में हुआ है। ये कैंप कानपुर के प्रतिष्ठित कमला क्लब में चल रहा है। बता दें कि दिव्यांश यादव का चयन पिछले वर्ष उत्तराखंड की रणजी टीम के लिए भी हो चुका है। दिव्यांश यादव महानगर के KGK कॉलेज में स्थापित साई क्रिकेट अकेडमी के खिलाड़ी हैं। उनके चयन पर अकेडमी के हेड कोच सुशील शर्मा, ICC कोच सचिन कुमार तोमर, KGK कॉलेज के प्रधानाचार्य सुनील चौधरी व कॉलेज क्रीड़ा अधिकारी अनिल चौहान ने प्रसन्नता व्यक्त की है व दिव्यांश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। शहर मुरादाबाद में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जाम का झंझार, और इसकी एक खास और मेन वजह है ई रिक्शा। ई रिक्शा कितनी तादाद में है और कितनी तादाद में होनी चाहिए, ये आम शहरी को तो शायद ही पता होगा, अधिकारियों को भी मालूम नहीं है।
शहर के छोटे या बड़े बाजारों में इनकी लंबी लंबी लाइनें आपको कई घंटों तक जाम में फंसा सकती हैं। मोटरसाइकिल का चालान काटने वाली ट्रैफिक पुलिस हेलमेट अथवा और भी कोई जरूरी कागजात न होने पर आपका चालान काट सकते हैं। लेकिन क्या इन ई रिक्शाओं का कोई इंतजाम किया गया है? नगर पंचायत भोजपुर बस स्टैंड पर सैनी ग्रुप के सौजन्य माँ भगवती के 5वें भव्य विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन फीता काट कर देहात 27 भाजपा विधायक पद के संभावित प्रत्याशी गौरव वर्मा ने किया और सभी श्वेताओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। माँ भगवती के जागरण में हापुड़ से आए कलाकारों ने गणेश वंदना कर जागरण का शुभारंभ किया। वहीं मुरादाबाद से आए लवीन गुप्ता ने माँ की सुंदर भेंटे गाकर समा बांध दिया। इस मौके पर आकाश सैनी, पंकज सैनी, यशपाल सैनी, सोनू सैनी, आकाश, राहुल, राजू आदि भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। थाना मझोला पुलिस द्वारा दिनांक 8/11/2021 को मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण कर आज दो अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया व उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व 3 कुंडा पीली धातु बरामद किए गए। ये 8 तारीख को थाना मझोला क्षेत्र में दो कुंडल लूट की घटना हुई थी, जहाँ पे दो महिलाओं से अलग अलग समय उनके कुंडल उतरवा लिए गए थे इन लूटोरों द्वारा। ये दो बाइक सवार थे, इनका पुलिस तफ्तीश कर रही थी। CCTV के माध्यम से इनकी शिनाख्त हुई। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका नाम आजाद अहमद और सजर है। आजाद थाना मझोला का रहने वाला है, सजर थाना पाकबाड़ा का रहने वाला है। इनकी उम्र करीब 20-21 वर्ष है। इनके पास से जो लूटे हुए 3 कुंडल बरामद हुए हैं, इसके अलावा 12,900 रुपये और एक तमंचा 315 बोर भी बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पूर्व में भी इस तरह की इन्होंने घटनाएं करी है। पूर्व में थाना मझोला क्षेत्र में ही 4 अन्य घटनाओं में भी इनका रोल निकल गया है, जो इन्होंने कबूला है। और इसमें भी इन्होंने बताया कि पूर्व में इन्होंने ये जो कुंडल लूटे थे, अलग अलग सुनारों को बेचे हैं, उनकी भी तफ्तीश की जा रही है और आज इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसमें इनके तो पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और लूट के मुकदमे पंजीकृत है। इनसे जो पूछताछ की गई, इन दोनों के द्वारा ये घटना इन दोनों द्वारा करना बताया गया है। ये बाइक पे रहते थे। इनके घटना करने का तरीका ये था कि किसी महिला को रोक के रास्ता पूछने के रूप में कि हमें ये रास्ता बता दीजिए, या किसी चलती गाड़ी में ये मतलब कुंडल छीनने की घटना। आज PMS पब्लिक स्कूल मुरादाबाद में इंटर क्लास आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता कक्षा 2 से 6 सेक्शनों के मध्य थी। इसमें कक्षा 2E के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, कक्षा 2B व 2F ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया व तृतीय स्थान कक्षा 2C को मिला। प्रधानाचार्य मैथ्यू सर व उप प्रधानाचार्य निशिमा मैम ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्र छात्राओं को ज्ञान के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करती हैं। निर्णायक मंडल में गौरव शर्मा, आयशा बसरी व जूही कौशिक थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में रेणु अग्रवाल, ऋतु कोहली, मानवी रस्तोगी, पूजा पांडे, मोनिका पुरी, प्रतिमा सिक्का, पूजा सिंह, परम ज्योति व आरती माथुर ने सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन कशिश रस्तोगी ने किया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।